उत्तराखंड में बुधवार को उस समय एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया जब पूर्णगिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस पटरियों पर पीछे की तरफ से चलने लगी। हालांकि कुछ किलोमीटर की दूरी पर जाकर ये रुक गई। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 28,000 लोगों को कोविड 19 रोधी टीका लगाया गया। यह आंकड़ा बीते दिनों के मुकाबले काफी कम है। दिल्ली में मंगलवार को 38,437 लोगों ने कोविड 19 रोधी टीका लगवाया था। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड 19 की दूसरी लहर को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया है। इस बीच एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि कोविशील्ड टीके के इस्तेमाल को लेकर देश में चिंता के कोई संकेत नहीं मिल रहे।